everyone. Just going to live. Oh, come on. काफी टाइम बाद मैं आपके सामने प्रकट हुई हूँ एंड थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल. कैसे हो आप लोग? सबको जितने मेरे फैंस हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया है सबको जेनी जैस की तरफ से यानी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मेरे छोटे से टीजर को 1 मिलियन क्रॉस करवा दिया. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत खुशी हो रही है कि एक टीजर को आपने इतना अच्छे से देखा. अब मैं आप लोगों से लाइव आकर यही थैंक यू कहने के लिए लाइव आई हूँ. आप इस सीरीज को एंजॉय करें और जितना प्यार आपने इस टीजर को दिया है उससे कई गुना ज्यादा प्यार आप मेरी सीरीज को दें. मैं यही चाहती हूँ. हाँ, इस सीरीज में ससुर जी नहीं है और देखो हर बार ससुर जी होंगे तो कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा, है ना? आप लोगों को जो चाहिए वो तो कहीं भी किसी भी कैरेक्टर में मिल सकता है. ये एक नई स्टोरी है और जैसा कि हमने बहुत पहले कहीं नॉवेल्स में कहीं बुक में पढ़ा होता है, आप सबको ये पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ. ये जो स्टोरी है उसी बेस पे है कि कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान तो होगा ही जिसके जिसकी क्रश उसकी चाची हो, है ना? तो आप लोग इंजॉय कीजिए सीरीज को देखकर. देखिए ये सच्चाई है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम इंजॉय आपको इंजॉय करवाने के लिए ये सीरीज इस टाइप के कैरेक्टर को हम करते हैं और इसमें हम पूरी तरह से अपना 100% देते हैं. यानी कि मैं और मेरे साथ में काम किए हुए सारे कैरेक्टर अपना 100% दे चुके हैं. आप भी अपना 100% दीजिए, इस सीरीज को देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें और जेनी जैस को इसी तरह से हमेशा प्यार करते रहें. मैं आपका मेरा भतीजा बन जाओ, ये टैडी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ. वैसे भी आप में मुझे फॉलो कर रहे हो यानी कुछ ना कुछ तो आपने मेरे लिए सोच रखा होगा अपने इस ब्रेन में, मुझे पता है. क्या करूं, लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. और सारे जितने मुझे जो जो मुझे मैसेज कर रहा है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, अनलिमिटेड मैसेजेस हैं. और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतने लोग मुझे अभी लाइव में देख रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. ये मेरी छोटी सी टुंगू की तरफ से भी हैप्पी थैंक यू, टुंगू की तरफ से थैंक यू. हाँ, कल एपिसोड रिलीज होगा और जैसा कि आप लोगों को चाहिए इस एपिसोड से, इस सीरीज से आप जिस तरह की उम्मीदें रखते हो सारी उसी तरह से आपको मिलने वाली है. बस कैरेक्टर थोड़े से चेंज हो जाएंगे और मजा तो बड़ा आएगा आपको. आई होप सो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा और जहां जैनी होगी वहां मजा तो होगा ही. हाँ, लव यू सो मच आशुतोष, लव यू टू, थैंक यू. मैंने फिल्टर नहीं लगवाया है, ये नॉर्मल है, कोई फिल्टर विल्टर नहीं है. मुझसे खेलो. देखिए अभी बैक टू बैक मेरी 3-4 सीरीज जो काफी टाइम से वेटिंग पर है, यानी कि आप लोग उनका उसका वेट कर रहे हो और अपकमिंग है तो सारी सीरीज का नंबर बाय नंबर मजा लिए. मजा तो बहुत आएगा. तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जब वो साड़ी खुलती है ना तब तो अंदर से तूफान उठता है, करेक्ट ना? तो इसी टाइप के मजे लेते रहे. मैं जानती हूं आप लोगों को क्या चाहिए, मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए ये मुझे पता है. बस उसी टाइप की सीरीज है ये और आई होप सो
आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग काफी इंजॉय करोगे। उम्मीदें तो यही है कि आप लोग इंजॉय करोगे। मैंने अपना काम किया है, अपना 100% दिया है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने यानी कल ही बिग 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 फैन। ओह माय गॉड, थैंक यू। आप लोग जब ऐसे मुझे लिखते हो ना कि बिग 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 फैन, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। हाँ, इस सीरीज में कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, जैसा आपने कमेंट बॉक्स में सारी लोगों की इतनी सारी कमेंट्स आई है कि जेरी जी ससुर जी कहाँ है और ये लड़का नया लड़के के साथ में आपका मतलब मैच नहीं हो रहा है, काफी कमेंट्स आए हैं, मैंने नोटिस किया है। सो आप लोगों को आदत डालनी होगी, ठीक है। मैं हर टाइप का कैरेक्टर करने वाली हूँ, तो मेरी ऑडियंस में आप हो और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो रियल लाइफ में मुझसे बहुत प्यार करते हैं, रील पे भी करते हैं और अपना प्यार, जैसे आप लोग यहाँ प्रेजेंट होके अपना प्यार मुझसे शेयर कर रहे हो, तो ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है और मैं इसको जरूर आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आऊंगी और आप लोग काफी इंजॉय करोगे। देखिए, ये जो अडल्ट जो सीरीज बनती है, तो मेरे हिसाब से हम अपना 100% देते हैं, बस आपका नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है, आप लोगों को कुछ ज्यादा चाहिए होता है, तो आगे तो आपको आपकी मर्जी, आप पसंद करें ना करें, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है। ओ, बॉयफ्रेंड की बात तो ना करो, ये हमारा बॉयफ्रेंड। मैं इसे ऐसे पकड़ के ऐसे कस के ऐसे सो जाती हूँ, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। देखो, फिलहाल तो अभी ये मेरी बाहों में है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड भी यही हुआ ना, और आप सब भी तो मेरे बॉयफ्रेंड्स हो, ऑडियंस भी तो बॉयफ्रेंड होती है ना, फिर कैसी बात करते हो। जानबूझ के, करेक्ट, राइट क्वेश्चन किसने लिखा है, आई डोंट नो। मैं जानबूझ के जो सीरीज है उसके लिए एक ही बात कहूंगी कि वेट एंड वॉच इस ऐप को, ये नई नई ऐप है और शायद मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सारे लोग एक साथ में उसको डाउनलोड कर रहे थे तो कुछ हो गया है प्रॉब्लम, जो हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल इश्यूज हैं कुछ, वो दूर हो जाएंगे और जानबूझ के में भी आपको बड़ा मजा आने वाला है। जानबूझ के एक अपने में अलग लेवल की स्टोरी है और जो आप कल देखने वाले हो ये अपने में एक अलग लेवल पे है, और इसके बाद एक और रिलीज होने वाली है जिसका मैंने पोस्टर आपसे शेयर किया है, वो भी एक अलग लेवल पर है, वो एक हॉलीवुड टाइप में है, कैरेक्टर चेंज है और आप देखोगे आपको आपको बड़ा मजा आएगा, सारी ही अलग अलग हैं। हाँ, कुछ इंडियन वेयर में है जो कल देखोगे, और इसके बाद वाली जो है वो भी इंडियन वेयर में है, शायद मुझे लगता है बिहार साइड की कहीं स्टोरी है, एंड दूसरी बहुत कुछ है, मसाला मेरे पास बहुत है, आप लोगों को हैप्पी रखने का बहुत मैंने जुगाड़ कर लिया, आप टेंशन मत लो। जाने अनजाने में 5 पार्ट, ओ क्या है, क्या है ये तो आपको कल ही पता चलेगा क्या है, है बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं है उसमें मेरे साथ में दूसरी को एक्टर है, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, उन्होंने भी अपना 100% दिया है, मैंने भी दिया है, आप लोग जरूर देखें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। मुझे किस करने का मन कर रहा है, आपने बोला मुझे वो किस मिल गई, रख लिया मैंने। सो कम ऑन, इतनी ऑडियंस जो मुझे टाइम दे रही है और मेरे लिए यहाँ पर आई हुई है, उन सब के लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मुझसे मिलना है तो सपनों में आ जाना। मैं सबके सपनों में जरूर आती हूँ, मुझे पता है। और क्या लिखा है, बहुत कुछ लिख रहे हो आप लोग, एपिसोड 12
12 बजे ओके आई डोंट नो ये चैनल का होता है सिस्टम, वो लोग कब एपिसोड डालेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब डालेंगे तब आप लोग जरूर से मजे लेना देखना, और अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करना। आपने जितना प्यार मेरे पहले एपिसोड को दूसरे एपिसोड को दिया, जितना मेरी सीरीज ये 5 मेरे ख्याल से ये सीजन 5 है, जितना आपने मुझे हमेशा से प्यार दिया है उससे ज्यादा की उम्मीद रखती हूँ मैं। और जानबूझ के भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है तो प्लीज उसे भी जरूर देखें, क्योंकि देखिए एक अलग तरह की स्टोरी है, आप लोगों को तो सिर्फ इंजॉय करना है ना, मजे लो यार, स्टोरी है अलग टाइप की है, अलग ऐप पर है, चाहे वो जिस भी ऐप पर हो आपको वहां जाना है और इंजॉय करना है, जेनी को अपना प्यार देना है, जैसे कल रिलीज हो रही है कल आप अपना सब अपना 100% दीजिए, इंजॉय करें फिर से मस्ती करें बहुत अच्छे सीन है और काफी हद तक आप लोगों को पसंद आएंगे मुझे उम्मीद है। Why do you best much? I don't know. You seem big fan. Oh, thank you. यहाँ अभी इस वक्त मुझे टाइम देने वाले, मुझे पता है 100% I'm sure कि आप सारी मेरे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से फैंस हो, मुझे उम्मीद है आगे भी हमारी दोस्ती इसी तरह से रहेगी। आई होप सब अच्छे से इंजॉय करेंगे, कल वो सीरीज जरूर देखना और मुझे याद करना। अब कल के पहले एपिसोड में आप लोगों को किस तरह से वो एपिसोड बताया जाएगा, उसमें जो सीन आपको जो चाहिए वो प्लीज बिल्कुल भी भगा के स्पीड बढ़ा के मत देखना, जितना प्यार से हर एपिसोड को जितना प्यार से ध्यान से देखोगे उतना एंजॉय करोगे। दीपक दत्त जी नहीं इस सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ जानबूझ के सीरीज उनके साथ की है उसमें है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं क्या हिंट दूं बताओ, अब जिस तरीके से आप लोगों ने टीजर देखा है, टीजर में आप लोगों को छोटा मोटा हिंट तो मिल ही गया होगा आई होप, मुझे पता है इतने तो आप लोग इनोसेंट हो नहीं, आपको पता चल गया है ना, अब सीरीज देखें और एंजॉय करें। सब दिखा दो। ओहो नो नेवर। एक्चुअल में हमारे जो कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, आप समझ पाओगे या नहीं, आपको जो चाहिए वो उस सीरीज में जरूर मिलेगा ठीक है, और जिसकी जितनी उम्मीद करते हो आई होप सो कि मैंने अपना 100% दिया है, उन लोगों ने जिस तरीके से सीन का जो एडिटिंग की है बहुत अच्छी है, सारा सब कुछ अच्छा है, बस आप लोगों को पसंद आना चाहिए, हमारी तरफ से तो हम हमेशा अपना 100% ही देते हैं। लास्ट टाइम जैसे किसी ने, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि मेकअप सही नहीं था और पता नहीं कैसे मेकअप करते, तो देखिए जैसी स्टोरी होती है उस टाइप के ही मेकअप होते हैं, अब वो कहीं गांव का चूल्हा है आग जल रही है उसमें कोई ऐसा मेकअप करके डॉल बनकर तो नहीं बैठेगा ना, वहां तो जो रियलिटी होती है आप लोगों को पता है, अगर कोई गांव साइड से होगा तो जैसे मुझे डायरेक्टर्स और जो भी हमारे असिस्टेंट होते हैं वो समझाते हैं कि ये रियलिटी है इसको इसी तरह से दिखानी है, तो उस टाइम पर हम भी उनकी ही हाँ में हाँ मिलाते हैं और वैसे ही दिखाते हैं, बाकी जो इंटीमेट सीन वगैरह है उसमें कुछ वो मेरा मसाला भी होता है और कुछ डायरेक्टर की करामात होती है जो मुझे समझाते हैं कि हमको ये सीन इस तरीके से लेना है, तो मैं कर देती हूँ, मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए। हाँ तो मेरी इस सीरीज में आपको मेरे सारे टैटूज दिख जाएंगे, बहुत अच्छी सीरीज है एंजॉय कीजिए। लव यू सो मच जेम्स। राहुल राहुल पवार थैंक यू सो मच। बहुत सारे सूरज मिस्टर सूरज गुप्ता थैंक यू सो मच। इस सीरीज से काफी उम्मीदें हैं,
काफी टाइम के बाद में इनके साथ में मैंने फिर से, मतलब ये पेंडिंग वर्क था, इसको कंप्लीट किया है. और देखें अभी आप लोगों का कितना प्यार मिलता है. जितना आप मुझे प्यार दोगे, ऐसा समझ लेना नेक्स्ट सीरीज में मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊंगी. फिर आप समझोगे, आप सोच सकते हो फिर क्या होगा. सोचो एक स्टेप में ऐसी ऐसी आगे आ रही हूँ, एक स्टेप आप आगे बढ़ो, एक मैं बढ़ती हूँ, फिर जो आपको चाहिए सब मिलेगा. थैंक यू. सो गाइस, हमारे जाने का टाइम आ गया है. लव यू गाइस, इंजॉय करें मेरी सीरीज, देखें, मुझे बहुत 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 सारा प्यार दें और इसी तरह हंसते हुए रखें. क्योंकि देखो, आप लोग मेरी वेब सीरीज देखोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना पसंद आई है और कितना आपने 100% दिया है. आप सब देखो और इंजॉय करो. देखिए, ये सीरीज में हमने इसीलिए बनाई है कि आप लोगों का इंजॉय करना जरूरी है ना. क्योंकि आप तो देखो क्राइम पेट्रोल भी देखते हो और भी सीरियल्स हैं जो वो देखते हो. इसमें कुछ हटकर है, कुछ अलग बात है, तो जरूर देखना और एंजॉय करना. देखो मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मैं अपनी सीरीज की खुद ही तारीफ कर रही हूँ. आप लोगों ने तब तक देखा भी नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि कल जाके जरूर देखना और एंजॉय करना. और उसके बाद मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे बताना, मेल करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको. हाँ, इसके बहुत एपिसोड्स होंगे जो आपको बैक टू बैक देखना है, और आपको जो चाहिए वो सारे एपिसोड में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, सो मिलते हैं फिर से जल्दी ही. इस सीरीज को देखो और मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने एक और गुड न्यूज के साथ, एक और सीरीज के लिए. कि इसके बाद में भी मेरी 2-3 सीरीज जो बैक टू बैक रिलीज होने वाली है, अपकमिंग है, उनके लिए भी मैं आपसे फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने. गुड बाय, नमस्कार, क्या बोलते हैं वो शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, मिलते हैं बहुत जल्दी. बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय. कट करने जा रही हूँ, सो एंजॉय.